अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू मायरा परवीन चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेबी फ्रॉक की कटिंग और स्टिचिंग का वीडियो। तो ये देखिए, मैंने कपड़े को डबल फोल्ड कर लिया है। अब यहाँ से हम 30 इंच लेंगे और यहाँ से भी ये 30 इंच है। तो ये पूरे स्क्वायर में है और डबल फोल्ड में है। अब हम इसे ट्राइंगल शेप में फोल्ड कर लेंगे। इसके बाद हम इसका तीरा का निशान लगाएंगे ऊपर से। तो यहाँ से हम 5 इंच पर निशान लगाएंगे। जहाँ से आपका 5 इंच आ रहा है, आप वहीं से निशान लगाइए। अब यहाँ से हम मोढ़ा लगाएंगे, तो मोढ़ा भी हमारा 5 इंच है, यानी जिसे आर्म होल कहते हैं। अब चेस्ट का निशान लगाएंगे, तो ये 6.5 इंच पे आ रहा है, तो हम इसे 6.5 इंच पे लगाएंगे। उसके बाद हम यहाँ से चोली की लंबाई ले लेंगे वेस्ट तक का। अब वेस्ट का मार्क आता है 5.5 इंच, लेकिन 1 इंच मैं बढ़ा रही हूँ क्योंकि यहाँ पर ही मैं लास्टिक लगाने वाली हूँ। तो इस तरह से हम बराबर निशान लगा लेंगे, यानी वेस्ट भी 6.5 इंच पे निशान लगेगा। उसके बाद हम इसका लेंथ लेंगे यहाँ से। ये 15 इंच पूरा आ रहा है, यानी फ्रॉक की पूरी लेंथ इस तरह आ जा रही है। तो हम यहाँ से इस तरह से मिला लेंगे निशान। अब यहाँ से भी हम 15 इंच पर निशान लगाएंगे इस तरह से, और इसी तरह से हम मिलाते हुए सिलाई निशान लगा लेंगे। उसके बाद हम आर्म होल का राउंड शेप बनाएंगे और फ्रंट के लिए हम 1/2 इंच अंदर तरफ करके निशान लगा लेंगे। गले के लिए हम 1.5 इंच पे वहाँ से और यहाँ से 1 इंच पे निशान लगाएंगे, जो बैक का गला है। फ्रंट के लिए हम 2.5 इंच लंबाई देंगे गले के। इस तरह हम बैक और फ्रंट का गला का निशान लगा लेंगे और तीरे को थोड़ा सा झुकाते हुए हम कटिंग करेंगे। तो ये देखिए, मैंने ये कट करना शुरू कर दिया है। अब हम मोढ़े की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम बैक वाले निशान पे कटिंग करेंगे और यहाँ से हम मार्जिन लेते हुए सिलाई के लिए कटिंग करेंगे। अब गले का कटिंग भी हम सबसे पहले बैक वाले पार्ट का करेंगे। उसके बाद हम इस पार्ट को निकाल देंगे और यहाँ से हम फ्रंट के गले की कटिंग करेंगे और मोढ़ा भी फ्रंट वाला हम अंदर की तरफ गहराई देते हुए कटिंग कर लेंगे। ये हमारा दोनों पार्ट कट हो चुका है। अब हम बैक पार्ट के पीछे तरफ हुक के लिए इस तरह कटिंग लगाएंगे और इसको एक कपड़े के ऊपर रख के इस तरह सिलाई कर देंगे। सिलाई करने के बाद हम इसे 20 से कटिंग लगा करके फिर से और थोड़ा थोड़ा साइड साइड से कट मार्क लगाएंगे, ताकि कपड़ा जब पलटे ना तो वो गुमछाए ना। इस तरह से पलट के हम, और कपड़ा ये थोड़ा पीछे बड़ा हो गया है तो इसे हम पहले इस तरह से काट के बराबर कर लेंगे। ठीक है, तो अब हम इसे फोल्ड करके इस तरह से ऐसे सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए, अब हम फ्रंट के पार्ट में जो कमर का निशान है ना, उसको इस तरह से पूरे में निशान लगा लेंगे और बैक वाले पार्ट को उसके ऊपर रख करके इस तरह से ठोक करके निशान लगा लेंगे दूसरी तरफ में भी। तो ये निशान लग गया है। अब इसमें हम लास्टिक लगाएंगे। तो लास्टिक मैंने ये पतली वाली ली है, इससे यहाँ से रख करके लास्टिक को टानते हुए स्टिच करेंगे और दोनों पार्ट पे हम इसी तरह लास्टिक लगा लेंगे। तो ये देखिए, इसमें लास्टिक लगा लिया है मैंने। अब ऊपर वाले, अब दोनों पार्ट को मिला करके हम इस तरह से तीरे की सिलाई कर लेंगे। अब हम स्लीव्स की कटिंग करेंगे। तो स्लीव्स के लिए इस तरह से मैंने 4 फोल्ड करके कपड़ा रखा है और इसकी लेंथ है 10 इंच। यहाँ से हम 5 इंच पे निशान लगाएंगे और फिर यहाँ से हम 3 इंच पे निशान लगाएंगे, और बाहीं के लिए हम 4 इंच पे निशान लगा के इसे मिला देंगे, और यहाँ से हम आर्म होल का निशान लगाएंगे।
अब हम इसे कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कट करके हम यहाँ सिलाई का मार्जिन लेते हुए कटिंग करेंगे। ये देखिए स्लीव्स कट हो चुका है। अब इसके फ्रंट पार्ट के लिए हम थोड़ा सा गहराई करते हुए इसे कटिंग करेंगे। ये हो गया हमारा स्लीव्स कटिंग। अब इसकी बाही बनाने के लिए हम ये देखिए डबल फोल्ड पे कपड़ा है, स्लीव से डबल लंबाई कपड़ा रखिएगा और ये दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे हम। ये टोटल लेंथ जितना है उसका हम हाफ कर देंगे बिल्कुल, और उसके बाद हम इसे इस तरह निशान लगा के काट लेंगे। ये देखिए, उसके बाद हम मैंने इस तीरे को सिलाई कर लिया है, ठीक है, और इलास्टिक भी लगा लिया है। तो ये देखिए, ये जो मैंने स्लीव्स के लिए बाही के लिए जो कटिंग किया था बाही के डिज़ाइन के लिए, तो उसे इस तरह से स्लीव्स में मिला करके, अगर आपका थोड़ा ज़्यादा हो रहा है कपड़ा तो उसे काट लीजिएगा। इस तरह से प्लेट बैठाते हुए हम इसमें स्लीव्स में लगाएंगे, अटैच करेंगे, और यहाँ पर ही हम एक इंच इलास्टिक का जगह बनाएंगे। इस तरह फोल्ड करके सिलाई करेंगे और इसमें इलास्टिक के लिए जगह बनाएंगे। तो इसे मैंने सिलाई करके इस तरह से, और इस तरह से प्लेट्स भी बैठा लिए हैं। तो हम स्लीव्स की बाहीं की तरफ इसे अटैच करेंगे। तो इसे इस तरह रख करके हम अटैच करेंगे, और जो इलास्टिक के लिए जगह बनाया है उसमें हम पिन के मदद से इलास्टिक डालेंगे। ये देखिए, ये एक पिन लेंगे और इलास्टिक डालेंगे। इसी तरह से हम इलास्टिक डाल देंगे और फिर इसे स्टिच करेंगे। इलास्टिक जितनी ज़रूरत हो उतनी ही डालिएगा। तो ये देखिए इलास्टिक डाल दिया। अब हम इस तरफ से भी सिलाई कर देंगे और इलास्टिक को अटैच कर देंगे। तो ये देखिए, ये दोनों स्लीव्स तैयार हो चुका है। अब हम इसको इसमें अटैच करेंगे फ्रॉक में। तो ये देखिए, ये फ्रंट का पार्ट है और स्लीव्स के भी फ्रंट वाले पार्ट को फ्रंट में जॉइंट करेंगे इस तरह से, और बीच में हम दो ठो प्लेट्स लगाएंगे जिससे थोड़ा सा स्लीव पास चुनाए। यहाँ से यहाँ तक सिलाई लगा लेंगे। दूसरे वाले स्लीव्स को भी हम उसी तरह बैठा लेंगे और उसी तरह सिलाई लगा लेंगे, यहाँ से यहाँ तक, और चून भी डाल देंगे। तो ये देखिए, स्लीव्स मैंने अटैच कर लिया है, और ये देखिए मैंने प्लेट्स भी बैठा लिए हैं, यानी स्लीव्स के जो ऊपर साइड में है ना मोड़ा में, यहाँ पर ही देखिए प्लेट्स बैठा लिए हैं। तो अब इन दोनों को हम इस तरह पलट करके इस तरह साइड से सिलाई लगा लेंगे, दोनों साइडों से। यहाँ से शुरू करेंगे स्लीव्स के पास से और यहाँ तक का सिलाई लगाएंगे, और दूसरे वाले पार्ट में भी हम स्लीव से शुरू करेंगे और नीचे तक की सिलाई लगाएंगे। तो देखिए, मैंने सिलाई लगा लिया है और नीचे तरफ मैंने पीको भी कर लिया है। आप चाहे तो फोल्ड करके भी इसे सिलाई कर सकते हैं, ये मैंने पीको किया है। तो अब हम इसे पलट लेते हैं। ये देखिए, ये सिलाई हो चुका है। पहनने के बाद ये फ्रॉक थोड़ा और अच्छा लग रहा था। तो अब हम इसकी नेक पे रफल लगाएंगे। तो नेक के लिए मैंने ये कपड़ा कट करके आपस में जॉइंट कर लिया है, क्योंकि कपड़ा सिर्फ 1 मीटर था, 1 मीटर में ही मैंने ये फ्रॉक पूरा तैयार किया है। इस तरह डबल फोल्ड करके इसे सिलाई कर लेना है, फिर इसमें ऐसे ऐसे प्लेट बैठा करके सिलाई करते हुए जाना है।
तो ये देखिए मैंने प्लेट्स लगा लिए हैं। अब हम इसे नेक पे इस तरह से हम अटैच कर लेंगे। और ये देखिए ये मैंने अटैच कर लिया है। अब ये एक्स्ट्रा कपड़े को हम काट लेंगे। तो इस तरह हम कपड़े को काट के निकाल लेंगे जो एक्स्ट्रा कपड़ा है। और उसके बाद हम गले की फिनिशिंग के लिए इसमें छोटे छोटे कट लगाएंगे, इस तरह से, ध्यान रखते हुए कि सूता ना कटे, सिलाई ना कटे। उसके बाद हम इसे अंदर की तरफ पलट के सिलाई कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने सिलाई कर लिया है। अब मैं इसमें ये फ्लावर लगाने वाली हूँ जिससे थोड़ा अट्रैक्टिव लुक आ जाएगा। इसमें आप छोटे छोटे बीड्स भी लगा सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर हिट कर देना, क्योंकि ऐसे वीडियो मैं हमेशा बनाते रहती हूँ। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।